हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाउ टू से इन इंग्लिश, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे कहें। जैसे, वह इज्जत से जीना चाहती है, मैं तुम्हें इज्जत से समझा रहा हूँ। तो चले देखते हैं ऐसे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसके बाद रिस्पेक्टफुली लिखेंगे। राइट, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करिएगा। तो देखिए, पहला वाक्य है, इज्जत से मेरा पैसा लौटा दो। इज्जत से मेरा पैसा लौटा दो। रिटर्न माई मनी रिस्पेक्टफुली। रिटर्न माई मनी रिस्पेक्टफुली। अगला वाक्य देखिए, मैं तुम्हें इज्जत से समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें इज्जत से समझा रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड रिस्पेक्टफुली। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड रिस्पेक्टफुली। अगला वाक्य देखिए, मैं कह रही हूँ इज्जत से आ जाओ। आई एम सेइंग कम रिस्पेक्टफुली। आई एम सेइंग कम रिस्पेक्टफुली। अगला वाक्य देखिए, मैं इज्जत से जीना चाहती हूँ। मैं इज्जत से जीना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लीव रिस्पेक्टफुली। आई वॉन्ट टू लीव रिस्पेक्टफुली। गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक्य कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ समझ में आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग नए नए एडवांस इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।